टी20 वर्ल्ड कप 2024 की अगर बात की जाए तो बस अब शुरू होने में अगर आप देखें, दो तीन दिन का जो वक्त है, 2 दिन का करीब करीब वक्त जो है वो बचा हुआ है। यूएसए वर्सेस कनाडा से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप की स्ट्रीमिंग को लेकर, या फिर आप कहें व्यूअरशिप्स को लेकर। व्यूअरशिप्स को लेकर अगर आप देखेंगे, 2021 का जो टी20 वर्ल्ड कप था उसने पहले के सारे टी20 वर्ल्ड कप्स के जो व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स थे वो तोड़ दिए थे, जैसे कि आईसीसी ने रिवन भी किया था बिल्कुल अपने बिल्कुल स्टेटमेंट में। उसके बाद 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप आया तो उसने 2021 के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और 2022 में अपनी एक व्यूअरशिप ने अलग तरीके की इस्टेब्लिशमेंट कायम की व्यूअरशिप के मामले में। हम यहाँ टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं सिर्फ, याद रखिएगा। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद आईसीसी करेगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप वाला टूर्नामेंट कहीं ना कहीं टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बनकर निकले, इसमें कोई दोराय नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं वो चाहने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन क्या ऐसा इस बार हो पाएगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। और ये हो पाएगा या फिर नहीं, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें फैक्टर रहेंगी कि जो शायद इसे ये इतना सक्सेसफुल एज अ व्यूअरशिप कंपेरिजन ना होने दे। वो फैक्टर्स क्या है उसके बारे में आगे आपको जरूर बताएंगे। लेकिन एक चीज और है, व्यूअरशिप और रेवेन्यू को दो अलग अलग पैमाने में जोड़िएगा। रेवेन्यू की जहां तक बात है तो 2024 में आप समझ के चलिए वो तो हिस्टोरिकल तरीके से कमाने वाले हैं। आईसीसी हो, बड़े बड़े बिग थ्री हो, या फिर इन्वेस्टर्स जो भी इसमें लगे हुए हैं, जो भी स्पॉन्सर्स हैं, जो भी कंपनीज वगैरह इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया भर भर के, वो सब तो भर भर के कमाने वाले हैं। उसमें कोई दरार नहीं है, उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। एक तो सुपर एट फॉर्मेट इस बार है, तो वहां पर ज्यादातर क्लोज कॉन्टेस्ट, टाइट बड़े बड़े मैचेस का क्लोज टाइट कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेंगे, वहां से एक अलग आएगा। फिर उसके बाद सेमीफाइनल वाला आएगा, फिर उसके बाद फाइनल आएगा, तो बहुत तो यही हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो व्यूअरशिप्स, माफ कीजिएगा, जो रेवेन्यू वगैरह के जो मामले यहाँ पर है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेटल्ड रहते हैं कि किसमें कितना लगना है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से जरूर तो वहीं से आ जाता है। उसके बाद कुछ और बड़े मैचेस होते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑस्ट्रेलिया है, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज का जो मैच होगा वो भी काफी ज्यादा रेवेन्यू लाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान जिस तरीके से देखा जाता है उन्हें एशियन बेल्ट में काफी लीग वगैरह में भी खेल चुके हैं उनके, बांग्लादेश श्रीलंका, बांग्लादेश श्रीलंका जिस तरीके से उनकी राइवलरी है ही, तो वो ये कुछ मैचेस हैं जो रेवेन्यू के लिहाज से काफी फायदेमंद पहुंचाएंगे आईसीसी। ये ग्रुप स्टेज की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद सुपर एट तो और लाएगा। और फिर एक चीज और यहाँ पर की गई, आपको पता होगा यूएसए में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर किसी को मैच देखना है तो सिर्फ उसकी टिकट नहीं मिल रही है, उसके साथ आपको बंच में दो तीन और टिकट लेनी पड़ेंगी, उसके लिए अलग पैसे है, रेट्स बहुत टिकट्स के हाई वगैरह रखे गए, बहुत हाई वगैरह रखे गए। तो इन सब में कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत आसानी से वो रेवेन्यू निकालेंगे, पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। रेवेन्यू के मामले में बिल्कुल भी कोई लॉस वॉस नहीं होने वाला, जबरदस्त प्रॉफिटेबल वेंचर रहेगा ये सभी के लिए, आईसीसी के लिए, बिग थ्री के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनीज के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए, सबके सब के लिए। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं व्यूअरशिप की, एंड व्यूअरशिप में डेंट कहां पड़ती हुई नजर आ रही है, कुछ फैक्टर्स आपको नजर आते हैं? जरूर, देखिए पहला तो है टाइम, ऑब्वियसली पहला है टाइम, क्योंकि आपके एशियन व्यूअर सबसे ज्यादा है। और अगर हम देखेंगे बाहर के, अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, यहाँ पर भी खासा असर करेगा, और खासकर एशियन, खासकर जहाँ पर माउंट है, जहाँ आईसीसी सब सारा ध्यान खाली एशिया एशिया और एशिया में लगा के रखता है आप, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो टाइमिंग है वो बहुत अफेक्टेड है, कर रही है व्यूअर्स को। सुबह 5 बजे मैच होने हैं, सुबह 6 बजे मैच होने हैं, रात को 8 बजे, रात को 9 बजे और 12 बजे है आईएसटी के मुताबिक, ये सब टाइम आईएसटी के मुताबिक जो हम बता रहे हैं ये है, रात सुबह 5 बजे, 6 बजे, रात 8 बजे, रात 9 बजे और रात 12 बजे, ये आईएसटी के मुताबिक इस ही टाइमों में पूरा वर्ल्ड कप होना है। अब आप सोच कर देखिए, खाली स्कूल का वैकेशन चल रहा है इस वक्त, ऐसा नहीं है कि सारे कंपनी वाले, जॉब वाले, गवर्नमेंट सेक्टर वाले सब घर बैठे, ऐसा नहीं है। सुबह 5 बजे, 6 बजे आपने रखा हुआ है मैच, और एशिया में ये 5-6 बजे सुबह जाने का वक्त होता है, आने का वक्त नहीं होता। ये अपने आप में एक टाइमिंग जो है वो बहुत क्रूशियल है, रात को 8 बजे, रात को 9 बजे टेंट जरूर करेगा टाइम, व्यूअर्स और व्यूअरशिप के हिसाब से टेंट जरूर मारने वाला है इस बार। हाँ, जून जरूर है, वैकेशन है, थोड़ा सा यंगस्टर्स जो है वो बढ़ गए हैं काफी देखने वाले, लेकिन यकीन मानिए टाइम के लिहाज से ये पहली चीज है जो टेंट करने वाली है इस 2024 टी20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल, टाइमिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर टेंट जरूर करेंगी, ये सबसे पहला फैक्टर हो गया। दूसरे फैक्टर की बात करें यार तो वो है 15 जून से और 19 जून से एक बहुत ही बड़ा इवेंट शुरू होने वाला है जो डेफिनेटली व्यूअरशिप में बहुत सॉलिड डेंट मारता हुआ नजर आएगा, बताएंगे उसके बारे में? जरूर, देखिए आप बिल्कुल सही कहा आपने,
फुटबॉल का अगर हम देखें, यूरो कप और कोपा अमेरिका ये शुरू हो रहे हैं 15 जून से और 19 जून से मेरे ख्याल में कोपा अमेरिका है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन 15 जून से यूरो कप शुरू हो रहा है, तो मैं खुद उसका वेट कर रहा हूँ, खैर लेकिन वो अलग बात है। पर वो बहुत बड़ा एक एक सिरदर्द भी है, क्यों आईसीसी बहुत फेंकता है पहली बात जी, ये जो है अब व्यूवरशिप की बात जहां आ गई है तो अब फेंकने वाली बात भी बहुत आ गई है कि हम इस कंट्री तक पहुंचना चाहते हैं, हम उस कंट्री तक पहुंचना चाहते हैं, हम ये स्टेप ले रहे हैं, सारा साल सुन सुन के पक जाते हैं, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि आपकी जो स्टेप्स है उस पर पानी फेरने के लिए आपने ऐसे टाइम पर रखा और है, वो स्टेप्स एशिया के आगे वो स्टेप्स की गाड़ी बढ़ती नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ती है, तो आपने उसी टाइम रखा जिस टाइम यूरो कप और कोपा अमेरिका आ रहे हैं। सोच कर देखिए, ये दो बड़े जायंट कप जो आ रहे हैं फुटबॉल में, ये ठीक वर्ल्ड कप के बीच आ रहे हैं और इसका असर एशिया में भी पड़ेगा। बांग्लादेश जो जिस तरीके से पार्टिसिपेट करता है देखने के मामले में, नेपाल जिस तरीके से करता है, इंडिया के व्यूअर्स जिस तरीके से भागते हैं रात को, खास करके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही कहा आपने, साउथ में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से जाया जाता है रात को 1 बजे 2 बजे, वो परवाह नहीं करते देखने वाले। तो ये सबसे बड़ा डेंट होगा जब टकराएंगे ये मैच शाम को 6:30 बजे 9:30 बजे रात को कोपा यूरो कप के मैचेस हैं, सुबह 5:30 बजे कोपा अमेरिका के मैचेस आईएसटी के मुताबिक, बिल्कुल तो बहुत असर करेगा। यूरोप में और अमेरिका में तो आप रहने ही दें आप, और इस बार अगर आप कंट्री वाइज देखेंगे वो चार्ट बहुत अलग होगा जी। हाँ जी, अगर आईसीसी रिलीज कर दे नहीं करेगा, हाँ ये आपने सही कहा, क्योंकि इस बार जब वो व्यूअरशिप का आपके सामने लेकर आएंगे ना तो देखना देखिएगा बहुत फिल्टर मारकर लेकर आएंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, मैंने मॉडर्न स्टाइल में कहा बहुत सारे फिल्टर लगाकर लेकर आएंगे कि इस रीजन में इस कैटेगरी में देखिए रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस कैटेगरी में रिकॉर्ड तोड़ दिया, ओवरऑल अगर वो पिक्चर लेकर आएंगे तो वो कहीं पीछे होगा पिछले टाइम के व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स के मुकाबले में, क्योंकि ये दो फैक्टर्स बहुत बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। जी हाँ, आप कुछ ऐड ऑन कर रहे थे? नहीं जरूर, तो ये बस ये कहना है मुझे, यूरो कप और कोपा अमेरिका के वक्त बस आप अगर दिखा रहे हैं कि आप कंट्री वाइज या फिर कंट्री वाइज नहीं, आप रीजनल वाइज व्यूअरशिप दिखाएं, या आईसीसी से रिक्वेस्ट रहेगी हमारी, तब पता चलेगा कि आपने बिना फिल्टर मारे, खैर और पता भी नहीं चलेगा हमें कहाँ फिल्टर मारा है क्या मारा है, लेकिन अगर ये दिखा देंगे तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस वक्त पे ये और लाया जा रहा है, वो भी कहाँ यूएसए में आपने वर्ल्ड कप रखा है, तो एक सिरदर्द ये भी। और एक तीसरा पॉइंट आप जरूर बताइएगा, पर दूसरा पॉइंट यही है कि यूरो कप और कोपा अमेरिका के वक्त जहाँ एशिया में भी इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है देखने के लिए, उस वक्त वर्ल्ड कप रखना, और इस बार 20 एसोसिएट टीमें और हैं, तो यानी कि 9 एसोसिएट और हो गई है, माफ़ कीजिएगा 9 एसोसिएट और हो गई हैं, तो इसमें फुल मेंबर्स को तो लगता है कि ये बोरिंग टीमें आ गई हैं, कहाँ से उठा कर ले आए हैं इतनों को, तो इस पर आईसीसी ने रखा है, तो देखने वाली बात होगी जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल, अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं तो वो है अर्ली फेसेस में यूएसए का जो वेदर चल रहा है यहाँ पर उसको लेकर, वेदर का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ऐसा नहीं कि पूरे महीने ही बारिश होने वाली है, लेकिन जो फर्स्ट वीक रहेगा वो बहुत ज़्यादा हमें हॉल्टेड नजर आ रहा है कि मैचेस में जो है कुछ मैच अवेंडन भी हो सकते हैं, कुछ मैचेस जो है वो रेन हॉल्टेड हो सकते हैं, डकवर्थ भी लग सकता है, तो वो एक जो चार्म होता है ना फर्स्ट वीक का वो भी कहीं ना कहीं सुनतेगा, और कितने मैचेस अवेंडन होंगे उसकी व्यूअरशिप आप काटिए, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे क्योंकि वेट लंबा हो जाएगा। अब मान के चलिए रात 9 बजे एक मैच शुरू हुआ है, टॉस हो गया, 4-5 ओवर हो गए, बारिश अब 1 घंटा 1.5 घंटे तक बारिश होगी, उसके बाद तब तक आप सोचिए गर्दन लटकने वाली हो आपकी नींद के मारे, 11:30 बज गए, फिर वापस शुरू हुआ, फिर मैच स्टार्ट हो गया, कुछ ओवर्स हो गए, एक इनिंग हो गई, सेकंड इनिंग शुरू हुई, फिर बारिश हो गई, अब फिर होल्ड पे चले गए, ऐसे करते करते 9 वाले वाला मैच जो 7:30 खत्म होना चाहिए था वो पहुंच जाएगा 1:30-2 बजे तक जाकर, आधे लोग तो अपनी गर्दन लटकाकर सोने जा चुके होंगे। एशियन बेल्ट की हम बात कर रहे हैं जहां पर आपने पूरा आपने सेट किया हुआ कि यही से हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा, और इसलिए तो डेंट मारेगा। सॉरी, इसे आपने अभी कहा 9 बजे का मैच पहुंच जाएगा 11 बजे ये बजे, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि यूरो कप और कोपा अमेरिका कप भी आने आएगा, क्योंकि 12:30 और 1 बजे तो वो शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, तो यही सोचने वाली बात है, और सुबह के मैच सुबह में भी मैचेस होने हैं कोपा अमेरिका की अगर हम बात करें, सारी चीजें याद रखी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बताया, और एशिया में आप 15-20 मिनट आधा घंटा सब आगे पीछे ऊपर नीचे पकड़ लीजिए, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहे, और
सी का ध्यान यहीं पर रहता है फुल फोकस तरीके से। तो ये वो तीन सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो इस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ने में नाकामयाब रह सकते हैं पहले के व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स को। जिसने पहले ही कहा खत्म होने के बाद एक जरूर आएगा आपके सामने, लेकिन यकीन मानिए उसमें ढेर सारे फिल्टर्स डालकर आपके सामने परोसा जाएगा, लेकिन व्यूअरशिप के मामले में डेफिनेटली ये चीजें इसको रोकती हुई नजर आएंगी। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा कोपा अमेरिका, यूरो कप और वेदर जो है उसके साथ साथ जो टाइमिंग भी रहेंगी एशियन रीजन में इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है अपनी राय इस क्वेश्चन पे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी जल के साथ लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। लेकिन जैसे हमने शुरू में आपसे कहा रेवेन्यू के मामले में सारे रिकॉर्ड पहले टूट जाएंगे, व्यूअरशिप के मामले में क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के मामले में थ्रू टीवी और मोबाइल नहीं, इसमें सक्सेसफुल इस बार भी शायद नहीं हो पाए। फिलहाल इस वीडियो में बाय।